ऐसा ख्वाब है जिसे देखते लाखों लोग हैं पर पूरा चंद लोग ही कर पाते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से एक है यूपीएससी सीएससी में सफलता पाने वाले ईश्वर गुज्जर, जिन्होंने जीवन में मिली असफलताओं से ना घबराते हुए हर असफलता से सीख ली और अंत में अपना लक्ष्य हासिल करके दिखाया। इसमें ईश्वर का साथ उनके पिता ने दिया। वह समय समय पर उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेट करते रहे, जिसके बाद आखिरकार ईश्वर ने अपना सपना सच कर दिखाया। आइए जानते हैं यूपीएससी सीएससी 2022 में सफलता हासिल करने वाले ईश्वर गुज्जर की सफलता की कहानी। ईश्वर गुज्जर राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के भनवारा का बढ़िया गाँव के रहने वाले हैं। उनके पिता एक किसान हैं और उनकी माँ एक गृहिणी। ईश्वर ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गाँव के एक स्कूल से पूरी की। साल 2011 में जब उनका 10वीं का रिजल्ट आया तो वह फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन उनके पिता ने कहा कि इतनी जल्दी पढ़ाई से घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार फेल होने पर हिम्मत नहीं हारते। शिक्षा का महत्व तुम आज भले ना समझो पर भविष्य में जरूर समझोगे। इसके बाद वह यही नहीं रुके, ज्ञानगढ़ की राज्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं परीक्षा में 68% अंकों से पास की और 12वीं के बाद रेगुलर पढ़ाई ना करके महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में बीए पास किया और साल 2019 में ग्रेड 3 शिक्षक बनकर अपने गांव के पास ही रुपारा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2020 में उनकी शादी सुगना देवी के साथ हुई। उनकी पत्नी उसी गाँव की रहने वाली है और उनके भाई महेंद्र पाल गुज्जर हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा ईश्वर के ससुर नथुराम गुज्जर कलेक्टर कार्यालय में DRA के पद पर पदस्थ हैं, जिन्होंने ईश्वर को सिविल सेवा में जाने की बात कही, जिसके बाद ईश्वर लाल गुज्जर ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद खुद भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। अपने सफर के बारे में ईश्वर लाल गुज्जर ने बताया कि स्कूल में उनके खेल शिक्षक राम नारायण सर के अलावा पूरे स्टाफ ने उन्हें सहयोग किया और यूपीएससी की तैयारी करने में लगातार प्रेरित करते रहे। ईश्वर ने बताया उनकी 1.5 साल की एक बेटी है और उनकी पत्नी बेटी को देखने के अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, जिसके चलते उन्हें पढ़ने का काफी वक्त मिल जाता है। स्कूल की छुट्टियों में भी वह पढ़ाई किया करते हैं। साल 2019 में वह पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठे लेकिन वह असफल रहे। दूसरी बार 2020 में इंटरव्यू तक पहुँचे पर उन्हें असफलता हाथ लगी। वही साल 2021 में तीसरी बार फिर वो प्री में फेल हो गए। तीन असफलताओं के बाद ईश्वर ने हार नहीं मानी और बिना हताश हुए तैयारी जारी रखी और अपना चौथा अटेम्प्ट दिया, जिसमें उन्हें 644वीं रैंक हासिल हुई। अपनी सफलता के पीछे ईश्वर ने अपनी पत्नी का सहयोग बताया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।